तो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। हमने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। ये है एक बेसिक DIY किट जिसमें हमें दो तीन चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है। ये मुझे आए हुए दो तीन दिन हो गए लेकिन इसकी मैं अनबॉक्सिंग नहीं कर पाया था, तो आज इसको खोल के हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये है फैडमैन की, इसमें पैकिंग भी दी हुई है और जो अंदर हमें किट मिलने वाली वो भी फैडमैन की ही होगी। फैडमैन आई थिंक कोई लोकल ब्रांड है जो दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। तो ग्लू गन छोटी सी है बट ठीक है क्वालिटी, तो इसको भी क्या साइज है इनको धीरे धीरे खोलेंगे। और ये है एक डिजिटल मल्टीमीटर इसको भी देखते हैं। बस यही चीज़ें हमें मिली हैं और ये कुछ फैडमैन इनके प्रोडक्ट्स में ये पावर टूल्स बनाते हैं, हैंड टूल्स, वायरलेस इक्विपमेंट्स बनाते हैं, रोबोटिक्स, काफ़ी कुछ चीज़ें बनाते हैं ये लोग। चलो देखते हैं क्या है इसमें फैडमैन में। तो पहले हम खोलते हैं ये डिजिटल मल्टीमीटर, इसकी क्वालिटी कैसी है। ये इसकी वायर हो गई, क्वालिटी वाइज तो ओके है, नॉट बैड नॉट गुड, एवरेज क्वालिटी है। देख सकते हो उसकी डिस्प्ले भी बड़ी अच्छी है और ये इसकी वायर है, वायर भी ठीक ठाक क्वालिटी की लग रही है। और ये इसमें जाता है, इसको हम बाद में टेस्ट करेंगे। हम सारी चीज़ें ओपन कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इनके यूजेस क्या क्या है। ये आ गई हमारी ग्लू गन। ग्लू गन की क्वालिटी भी ठीक है, नॉर्मल, नॉट बैड नॉट गुड। देख सकते हो इसमें अभी ऑन ऑफ का स्विच है, छोटा सा है बट ठीक है। यहाँ से ग्लू गन की वो जाए कर जाएगी, स्टिक जाएगी। वायर भी ठीक है, ठीक है, नॉर्मल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो ये आ गया ग्लू गन। अब ग्लू गन के बाद हम खोलते हैं ये बड़ा वाला जो पैक है। बड़े वाले पैक में 15 का पैक था, मतलब 15 चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे एक ये ग्लू गन है ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पीडोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, तो काम आने वाली चीज़ है। और ये देखो ये आ गई सोल्डरिंग आयरन भी अच्छी क्वालिटी नहीं कहेंगे बट ठीक है, एवरेज क्वालिटी है। ये इसकी चेंज हम कर सकते हैं, इसका एक और मिला हुआ है। वायर जो है ये भी सफिशिएंट है बट क्योंकि ज़्यादा लंबी, तो हाउस होल्ड में जब DIY करते हैं तो ज़्यादा लंबी वायर की ज़रूरत उतनी होती नहीं है। और ये बेसिक किट है तो बेसिक किट में आपको ज़्यादा मिलेगा कुछ नहीं बट ठीक है, 4-4.5 फीट की वायर है बिल्कुल ठीक क्वालिटी, उतनी भी बैड नहीं है। उसको भी हम यूज़ करके देखने के बाद में अभी हम सारी चीज़ें अनबॉक्स कर लेते हैं। ये आ गई इसकी ग्लू गन स्टिक। और हमें इसमें एक ही मिलता है एक और, जिससे हम छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ सकते हैं, सोल्डरिंग कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी यूज़फुल थिंग है। इसको हम बाद में देखते हैं। ये आगे स्क्रू ड्राइवर, डबल स्क्रू ड्राइवर, ये भी काम की चीज़ है, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो ये आ गया सोल्डरिंग आयरन का जो स्टैंड होता है, जब वो हीटर पर होता है तो उसको स्टैंड में रखने के लिए हम कभी किसी चीज़ पर इसको अटका देते हैं, कभी किसी चीज़ पर अटका देते हैं, तो ये चीज़ बहुत सही दी है हमें। इसमें हम डायरेक्ट जो सोल्डरिंग आयरन है इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे आएगा यहाँ पे और ये ऐसे रहेगी। काफ़ी इसमें स्क्रैचेस वगैरह लगे हैं, मुझे लग रहा है यूज़ दी है इन्होंने। हाँ ये वाला चीज़ यूज़ दी है, देखो बस ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये थोड़ी इसमें अपने मैनेज करना पड़ता है अगर ऑनलाइन कुछ ऐसी चीज़ें मंगवानी है तो। ठीक है, मुझे इतना कोई वो नहीं है, चल जाएगा अपना काम,
ये है, इसमें से जाएगा, चल जाएगा। ये आ गया जो सोल्डरिंग होती है पुराना सोल्डरिंग को उतारने के लिए, ये वायर कटर है, क्वालिटी अच्छी है वायर कटर की भी, बहुत बढ़िया, नॉट बैड नॉट गुड, ठीक है ओके। तो ये आ गया, ये प्लग कर है, प्लग कर भी ठीक है, काम की चीज़ है। इसमें प्लग कर भी आ गया, ये आ गया सोल्डरिंग आयरन का जो टाँका लगाने के लिए होती है, एल्यूमिनियम वायर। ये आ गया मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास ठीक है। ये आ गया सोल्डरिंग आयरन के लिए पेस्ट, बस इसमें बस इतना ही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का है पैक। तो इसमें देख लिया आपने क्या क्या हमें मिला है, सोल्डरिंग आयरन, ये सोल्डरिंग आयरन मिली है, ग्लू गन मिली है जिसको हम चला के देखेंगे, ये एसपी डिजिटल मल्टीमीटर मिला है। ओवरऑल जो ये चीज़ें हैं नॉर्मल क्वालिटी है, ज़्यादा बेटर भी नहीं है, ज़्यादा बैड भी नहीं है, तो नॉर्मल यूज़ के लिए, घर के लिए DIY आपने करना हो तो उसके लिए बहुत बेटर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनको यूज़ करके भी देखेंगे, आज के लिए हम सिर्फ अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि अनबॉक्सिंग कर ली, देख लिया आपने क्वालिटी इनकी बिल्कुल इतनी बड़ी बुरी भी नहीं है, ठीक है क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है, स्पीडोमीटर भी अच्छी क्वालिटी का है, हम इसको अगले वीडियो में चला के देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन को, इसको जो ग्लू गन को, उसको भी हम चला के देखेंगे, क्वालिटी तो ठीक लग रही है पूरा आयरन, ये तो आज के लिए इतना ही।